तो अब हम एडिशन ऑफ द नंबर्स को देखेंगे. आपने छोटी क्लास में छोटे छोटे दो डिजिट के या तीन डिजिट के या चार डिजिट के नंबर्स को ऐड करना सीखा हुआ होगा. कैसे करते हैं? नंबर्स को, डिजिट्स को एक दूसरे के नीचे रखते हैं और फिर हम एडिशन करते हैं. तो हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और उससे हम एडिशन करना सीखेंगे. तो example is, population of Sundarnagar was 235,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? आपको मालूम है ये जब पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशंस होता है, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन ये मेजर की जाती है, निकाली जाती है. तो जैसे अभी 2021 के अंदर भी वापस से पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, क्योंकि 2011 के अंदर ये काउंटिंग हुई थी. तो 10-10 साल बाद ये पॉपुलेशन हमेशा निकाली जाती है कि कितनी इंक्रीज हुई, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं. पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो 2021 में होने वाली है. सो इन दिस क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 विल बी, कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर 2001 में अगर निकालना है तो 1991 में जितनी थी पॉपुलेशन उसमें इंक्रीज कितनी हुई उसको ऐड कर दो. सो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1991 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इन 1991 इट वाज 235,471. तो 235,471 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई? 72,958 मीन 72,958 इसको ऐड करना है. अब आपने देखा था एडिशन के लिए नंबर्स को एक के नीचे एक लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका सम निकालने के लिए 235,471 के जस्ट नीचे इस तरह से लिखेंगे कि ये 8 वन के नीचे आए, 5 ये 7 के नीचे आए, 9 4 के नीचे आए. तो इस तरह से यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, इनके सबके नंबर्स एक दूसरे के नीचे आने चाहिए. अब हम इसको ऐड करना चालू करें. 1 प्लस 8 दिस इज 9. फिर 7 प्लस 5 दिस इज 12, बचेगा 1. इस 1 को इस 4 के ऊपर लिख लें जिससे कि हमको याद रहे कि हाँ 1 कैरी ओवर जो हुआ है उसको हमको वापस से ऐड करना है. तो 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14. तो 14 का ये 4 लिख दिया हमने और उसके बाद में फिर 1 बचा तो इसको फिर से ऊपर लिख देंगे. अब ये 1 प्लस 5 ये हो गया 6, 6 और 2 ये आ गया 8. इसमें कोई कैरी ओवर नहीं होगा. फिर 3 प्लस 7 दिस इज 10, 10 का 0 तो हमने यहां पे लिख दिया और 1 बचा वो यहां पे लिख दिया. 1 प्लस 2 दिस विल बिकम 3. सो द आंसर विल बी मींस पॉपुलेशन इन 2001 दिस विल बी 3,8,429. एडिशन के बाद में नंबर आता है सब्ट्रैक्शन का, तो लेट अस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन. इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 वाज 7,43,000. इन द ईयर 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,00,100. In which year
were more bicycles sold and how many more? तो सबसे पहले तो इसमें ये पूछा हुआ है कि किस साल के अंदर 2003 में 2002-2003 या 2003-2004 कौन से ईयर में ज़्यादा बाइसिकल्स सेल हुई हैं? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स होगा कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा. फिर उसके बाद में एंड हाउ मैनी मोर, कितनी ज़्यादा सेल हुई है ये भी निकालना है. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है. सो हियर क्लियरली सी दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है. यहाँ पे लास्ट डिजिट अगर देखें तो यहाँ पे 8 है और इसमें 7 है, तो 8 लैक्स इज ग्रेटर देन 7 लैक्स. तो यहाँ पे क्लियरली 8,100,000 इज मोर देन 7,43,000. सो इन दैट स्टेट मोर बाइसिकल्स वेयर सोल्ड इन ईयर 2003-2004 इन कंपैरिजन टू 2002 एंड 2003. इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि हमको नॉलेज कितना भी हो हमको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. अगर आपके पास में खूब अच्छा नॉलेज है, आप बहुत अच्छा गाते हो लेकिन आपने कभी स्टेज पे गाया नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा गाते हो. तो हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. तो यहाँ पे इस चीज को इस तरह से लिखना आना चाहिए कि ये 8,100,000 ये इससे बड़ा है, मतलब. और ये कब था, ये था 2003-04 में. तो 2003-04 के अंदर सेल ज्यादा था. अब हमें ये निकालना है कि कितना ज्यादा, हाउ मैनी मोर. इसके लिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का होता है, तो बड़ा नंबर हम ऊपर लिखेंगे, छोटे नंबर को उसके नीचे लिखेंगे. जैसे एडिशन में देखा था डिजिट्स बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखे हुए होने चाहिए. तो हम सबसे पहले 8,100,000 को लिखेंगे, उसके बिल्कुल नीचे 7,43,000 लिखेंगे और डिजिट्स एक दूसरे के नीचे आने चाहिए. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया वापस से जीरो, वन में से जीरो गया दिस विल बी वन. देन अब यहाँ पे जीरो में से थ्री नहीं जा सकता. जब जीरो में से थ्री नहीं जा सकता तो जीरो अपने पड़ोसी से उधार लेगा, लेकिन पड़ोसी के पास में भी कुछ भी नहीं है, तो ये अपने पड़ोसी से उधार लेगा. जब ये अपने पड़ोसी से उधार लेगा तो इसके पास में नंबर रह जाएगा 7 और इसके पास में हो जाएगा 10, लेकिन 10 में से इसने एक इधर दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10. अब इस 10 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 10 माइनस 3 विल बी दिस विल बी 7. फिर इसके पास में पड़ोसी के पास में 9 था तो 9 में से 4 गया तो ये बचा 5. फिर 7 में से 7 अगर जाता है तो कुछ भी नहीं बचना है, तो 7 माइनस 7 विल बी 0. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, दिस इज 57,100. मतलब कितनी साइकिल ज्यादा सेल की, ये 57,100 साइकिल्स ज्यादा सेल हुई. एक बार आंसर निकाल लिया, लेकिन ये सही है या गलत है तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. क्या करें, इस 57,100 को हम इस 7,43,000 के अंदर अगर इसको ऐड करें तो हमारे पास में ये आ जाना चाहिए. तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस 57,100
टू 7,43,000। इसमें हम ऐड करके देखें तो ये 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 दिस इज 1, 3 प्लस 7 दिस इज 10, 10 का 0, 1 बचा वो इधर आ गया, 1 प्लस 4 दिस इज 5, 5 प्लस 5 दिस इज अगेन 10, 1 फिर बच गया, 1 प्लस 7 दिस इज 8, मींस दिस नंबर इज सेम एज दिस नंबर। इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो आपने देखा होगा घर में जब न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर के अंदर कई पेजेस रहते हैं। अब एक उसके अंदर यहां पे दिया हुआ है कि 12 पेजेस हैं एक न्यूज़पेपर में, और टोटल कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही है, 11,980 कॉपीज प्रिंट हो रही है। अगर हमें यह निकालना है कि हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी के अंदर 12 पेजेस, तो इतनी कॉपीज के अंदर क्या होगा, 11,980 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये 11,980 लिखें और इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 12 को उसके नीचे लिखेंगे टूवर्ड्स राइट साइड। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये यूनिट्स डिजिट का नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 0, तो ये आ गया 0। 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 8, तो 8 इंटू 2 दिस इज 16। तो 16 का 6 हम यहां पे नीचे लिख देंगे और 1 जो बचा इसको ऊपर लिख दें, क्योंकि इसको हमको ऐड करना है, याद रखने के लिए हम यहां पे लिखते हैं, बाकी आप कहीं पे भी लिख सकते हो। फिर 2 इंटू 9 दिस इज 18, और 18 में 1 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 19। अब 19 का 9 हम यहां पे लिख लें, 1 बचा उसको यहां पे लिख दिया याद रखने के लिए। अब 2 इंटू 1 दिस इज 2, 2 के साथ में 1 ऐड करें तो यह आ जाएगा 3, तो दिस 3 वी हैव रिटन हियर। फिर 2 इंटू 1 दिस इज 2, सो वी विल राइट दिस 2। तो ये तो हुआ अभी इसका एक पार्ट कि यूनिट्स डिजिट को हमने पूरे से मल्टीप्लाई कर लिया। अब टेंथ डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो टेंथ डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये यूनिट्स प्लेस को हम या तो यहाँ पे खाली छोड़ें या इसकी जगह क्रॉस लगा दें या फिर यहाँ पे जीरो भी लगाते हैं। सबसे उपयुक्त होगा ये क्रॉस लगाना, क्योंकि अगर हम जीरो लगाते हैं तो हो सकता है हम खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि ये नंबर क्या है। सो वी विल पुट दिस क्रॉस एट यूनिट्स प्लेस, एंड नाउ दिस वन इज मल्टीप्लाइड विद 11,980। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वापस वही नंबर आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11,980 ये पूरा यहां पे आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली है, तो 0 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0, देन 6 प्लस 0 दिस इज 6, 9 प्लस 8 दिस इज 17, इसका 17 का 1 बचेगा वो यहां पे आ गया। फिर 3 प्लस 9 दिस इज 12, और उसमें 1 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 13, 13 का 3
1 बचा, इसको वापस से यहां पे लिखेंगे और 2 प्लस 1 दिस इज 3 एंड 3 प्लस 1 दिस विल बी 4 एंड देन 1 विल रिमेन एज इट इज. तो ये आ जाएगा ये नंबर, ये टोटल इन दोनों का. अच्छा, यहां पे चूंकि केवल 2 डिजिट का नंबर था तो इसीलिए दो स्टेप्स में ये वाला आंसर आ रहा है. अगर यहां पे 3 डिजिट हो तो तीसरे डिजिट को भी फिर से हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में लिखेंगे. तीसरा स्टेप यहां पे, उस केस के अंदर हमको दो बार क्रॉस लगाना पड़ता है और फिर आगे नंबर्स लिखने पड़ते हैं मल्टीप्लाई करके. तो यहां पे जब इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज कमिंग 1,43,760. मतलब एवरी डे 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड. तो हमने किया एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, अब बारी है डिवीजन की. सो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल. द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ ए पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000. देन ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक. ईच नोटबुक कंटेन्स 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको थोड़ी चीज समझनी चाहिए. जब बुक प्रिंट होती है तो छोटे छोटे पेजेस में जो आपके किताब या कॉपी के अंदर होते हैं वो साइज में प्रिंट नहीं होती है. एक्चुअली बड़ी शीट होती है और एक बार में 8 पेजेस उसमें प्रिंट होते हैं. फिर उसके बाद में उसको काट लिया जाता है और फिर हमारे को जिस पेज की साइज चाहिए उस हिसाब से प्रिंट होती है. तो यहां पे इसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक, दिस इज 75,000 शीट्स वी आर हैविंग और एक शीट के अंदर 8 पेजेस. सो ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक. तो सबसे पहले हम ये देखें कि टोटल पेजेस कितने बनेंगे हमारे पास में. 75,000 शीट से और एक पेज के अंदर, एक शीट के अंदर 8 पेजेस बन रहे हैं. सो द टोटल नंबर ऑफ पेजेस विल बी 8 × 75,000. So each sheet makes 8 pages. Therefore, 75,000 sheets will make 8 × 75,000 pages. इसको multiply करें तो इसके नीचे 8 लिख लिया. 8 × 0, this is 0. 8 × 0, this is 0. 8 × 0, this is 0. 8 × 5, this is 40. 40 का 0 यहां पे लगा दिया और 4 यहां पे लिख दिया जिससे कि हमको याद रहे इसको ऐड करना है. 8 × 7 = 56 एंड 56 + 4 दिस इज 60. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हमारे पास में आएंगे ये 75,000 शीट से वो नंबर ऑफ पेजेस हैं 6 lakhs. So, those 6 lakhs pages are available for making notebooks. अब एक नोटबुक के अंदर कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस. Now, 200 pages make one notebook. Therefore, 6 lakhs pages make. अब इसमें कितनी नोटबुक्स होगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 lakhs को 200 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा. तो 200 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 लाख इसको अगर हम 200 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स जाएगा
this will be 600. इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्रॉस 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 या जीरो जीरो जीरो. अब यहां पे तीन जीरोज हैं. अब हम इसको जीरो टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर एक जीरो पहले लेते हैं तो एक जीरो यहां से 200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से जीरो आ जाएगा, फिर दूसरा जीरो लेंगे, फिर तीसरा जीरो लेंगे. सो अल्टीमेटली ये तीन जीरोस चूंकि बच रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली तीन जीरोस पुट कर सकते हैं. सो दिस विल कम 3000 नोटबुक्स.